हेलो हिप हॉप लिसनर्स, तो कैसे हो आप लोग। तो स्टार्ट करते रागा से। तो रागा जो है वो फेनोम के साथ देखने को मिला है। तो अब बात कर लेते स्टैन के बारे में। तो श्रीजिता जो है वो अभी बिग बॉस से एलिमिनेट हो चुकी है। तो अभी उनके कुछ इंटरव्यूज देखने को मिला जिसमें वो स्टैन के बारे में कुछ ऐसा कहती हैं। प्रियंका के साथ उसके एक झगड़े में उसने बोला था, ये देख देख लड़कियों के सिगरेट पी रही है। तो उस टाइम पे मैं घर के अंदर नहीं थी, मैं घर के बाहर थी और मैंने वो चीज एपिसोड में देखा था। कैसी लड़की है रे, सिगरेट पीती है। तो बात यह है कि सिगरेट हानिकारक एक वुमन के लिए भी होता है और एक मैन के लिए भी होता है। तो इफ अ मैन कैन स्मोक देन अ वुमन कैन ऑल्सो स्मोक, बट इट इज हार्मफुल फॉर बोथ। सुनी अर्चना जब बोल रही थी, बोल के चली गई, तो स्टैन ने सबसे पहले बोला, अरे गाली दिया गाली दिया गाली दिया। तब मैंने बोला गाली दिया ना, और फिर मैंने वो लाइन जो अर्चना बोल के चली गई वो लाइन को रिपीट किया। तो अगर वो आपके गाने का लाइन है तो आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने ही वो गाना गाया है। तो उस वक्त आपने मुझे ये क्यों नहीं बोला, अरे अरे मत बोल, ये गलत चीज है, ये तो मेरे गाने का लाइन है। तो आप पहले बोलते हो अरे गाली दिया, लड़की ने गाली दी, और फिर जब मैंने बोला तूने भी सुना ना गाली दिया, क्योंकि मुझे नहीं पता, मैंने उनके स्टैन के गाने कभी नहीं मैं सुनी हूँ। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ रैप, बट आई जेन्युइनली रिस्पेक्ट कि he has done amazing number of raps in his life, but मुझे नहीं पता था कि वो उसके गाने का लाइन है और अर्चना उसके गाने की लाइन को बोल रही है। पर अगर मेरा कोई गाना है जिसको मैंने गाया है और वो शायद अश्लील साउंड करे और कोई उस लाइन को रिपीट करे और उसका कुछ गलत मतलब निकल सकता है बाहर, तो मैं तुरंत रोक दूंगी, अरे वो तो मेरे ही गाने का लाइन है, रहने दे, ये कोई गाली नहीं। साथ ही अनुपम मित्तल जो है वो भी एमसी स्टैन को फॉलो करने लगे इंस्टाग्राम पे। इसके अलावा वो डिवाइन और सृष्टि तावड़े को भी फॉलो करते हैं। तो बात कर लेते बेला के बारे में। तो बेला लिखता है, यू ऑल मेड मी गोल्ड आउट ऑफ सैंड, महादेव हैज सेंट मी फॉर सम ग्रेट पर्पस, डोंट नो द फ्यूचर, माय टुडे इज बेटर देन माय यस्टरडे, माय स्टोरी इज योर्स, डोंट लेट मी गेट स्टक इन नेगेटिविटी, माय एम माय मिशन माय माइंड इज ऑल वे अबव। साथ ही बेला का इनोवियोरा से ट्रैक भी आ चुका है जिसका नाम है ड्रैगन बॉल जी। तो बात कर लेते कृष्णा के बारे में। तो विचार नाम के एक रैपर है जिन्होंने नो कैप का रिमिक्स बनाया हुआ था जिसके ऊपर कृष्णा जो है वो रिएक्ट करता है, डोप ब्रो। तो अब बात कर लेते रफ्तार के बारे में। तो रफ्तार का जश्न हिप हॉप ट्रैक 2 मिलियन स्ट्रीम्स क्रॉस कर चुका है। साथ ही एमिवे का ग्राइंड ट्रैक 30 मिलियन स्ट्रीम्स, रोदावी का बस्ती बाउंस ट्रैक 1 मिलियन व्यूज क्रॉस कर चुका है। साथ ही वो ट्रेंड भी कर रहा है अभी यूट्यूब पे 15th नंबर पे। तो इसी के साथ मिलता हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।